दोस्तों आज साउथ फिल्म इंडस्ट्री इंडिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाला फिल्म इंडस्ट्री में से एक है। आज के समय में लोग जितना बॉलीवुड फिल्म देखना पसंद नहीं करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा लोग साउथ फिल्म देखना बेहद ही पसंद करते हैं, और यही कारण है कि आज साउथ मूवी की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों अगर आप भी मेरे तरह साउथ फिल्म देखना पसंद करते हैं तो ऐश्वर्य की आपका कोई ना कोई फेवरेट साउथ एक्टर तो जरूर होगा, और आप उनके पर्सनल लाइफ के बारे में हमेशा जानने को उत्सुक रहते होंगे। सो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने और मिलाने जा रहे हैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री के टॉप 20 एक्टर के रियल लाइफ वाइफ से। जी हाँ, हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि एक्टर का असल जिंदगी में पत्नी कौन है और वो कैसी दिखती है। सो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और हाँ, अपने फेवरेट एक्टर का नाम कमेंट में लिखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 20, नितिन। दोस्तों नितिन का फुल नाम नितिन कुमार रेड्डी है। ये साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर में से एक है। इनका उम्र अभी के समय में 38 वर्ष है और ये बिलोंग करते हैं तेलंगाना से। वही अगर इनके रियल लाइफ वाइफ के बारे में बात करें तो इनके वाइफ का नाम शालिनी कंडुकुड़ी है। मैं आपको बता दूं कि इनकी वाइफ शालिनी कोई एक्ट्रेस नहीं है बल्कि एक एचआर मैनेजर है। इन्होंने इनसे बीते साल 2020 में ही शादी किए थे, और फिलहाल अभी ये दोनों लोग अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे हैं। नंबर 19, राणा दग्गुबत्ती। दोस्तों राणा दग्गुबत्ती साउथ फिल्म इंडस्ट्री के अलावा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के भी कई फिल्म में नजर आ चुके हैं। इन्होंने जब से बाहुबली जैसे बड़े मूवी में भल्ला देव के किरदार को निभाया, तब से किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे। वही अगर इनके वाइफ के बारे में बात करें तो इनके रियल लाइफ वाइफ का नाम मिहिका बजाज है। इन्होंने इनसे बीते साल 8 अगस्त 2020 को हैदराबाद में शादी किए थे। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं नंबर 18 की। सो नंबर 18 पे है धनुष। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि धनुष का असली नाम वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा है। इन्होंने अब तक साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई फिल्म में काम कर चुके हैं, जिनमें से कुछ फिल्म का नाम है मारी, मारी 2, वीआईपी 2, वरा चेन्नई और भी कई सारे। वही अगर इनके वाइफ के बारे में बात करें तो इनके वाइफ का नाम ऐश्वर्या रजनीकांत धनुष है। मैं आपको बता दूं कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर एंड डायरेक्टर रजनीकांत की बड़ी बेटी है। धनुष ने इनसे 18 नवंबर 2004 में शादी किए थे। नंबर 17, विशाल। दोस्तों इनका फुल नाम विशाल कृष्णा रेड्डी है। विशाल ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री को अब तक कई सुपरहिट फिल्में दी है। इनका उम्र इस समय 44 वर्ष है और ये बिलोंग करते हैं चेन्नई तमिलनाडु से। वहीं विशाल के पत्नी के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक इनका शादी नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इनका इंगेजमेंट हो गया है। इनका इंगेजमेंट तमिल एक्ट्रेस अलीसा आला रेड्डी के साथ हुआ है। नंबर 16, कार्थी। जिनका फुल एंड रियल नाम कार्थी शिव कुमार है। कार्थी एक्टर के साथ साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी है। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 2007 में पारुथी वीरन मूवी से किए थे, और इनका फर्स्ट मूवी ही ब्लॉकबस्टर मूवी रहा। उसके बाद इनको और भी फिल्म में काम करने का ऑफर आने लगा। उसके बाद कार्थी ने कैथी, थाम्बी, मद्रास और इनके जैसे कई ब्लॉकबस्टर मूवी में काम किया है। वही इनके वाइफ के बारे में बात करें तो इनके वाइफ का नाम रंजनी चिन्ना स्वामी है। इन्होंने इनसे 2011 में शादी किए थे, और फिलहाल ये लोग एक दूसरे के साथ बेहद ही खुश है। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं नंबर 15 की। सो नंबर 15 पे है अखिल अकिनेनी। अखिल साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर में से एक है। इन्होंने अब तक साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई फिल्म में काम किए हैं, जिनमें से कुछ फिल्म का नाम है हेलो, अखिल, मिस्टर मजनू और भी कई सारे। वहीं इनके वाइफ के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक इनका शादी नहीं हुआ है और ये अनमैरिड है, लेकिन अभी के टाइम में रिलेशनशिप में, और इनके गर्लफ्रेंड का नाम श्रिया भोपाल है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट की माने तो इनका इंगेजमेंट भी हो गया है। नंबर 14, गोपी चंद। गोपी चंद का फुल एंड रियल नाम तोतम पुरी गोपी चंद है। गोपी चंद ने अब तक साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई सुपरहिट फिल्में दी है। इनका जन्म 12 जून 1979 को आंध्र प्रदेश में हुआ था, तो इस हिसाब से अभी इनका उम्र 42 वर्ष है। वहीं इनके वाइफ के बारे में बात करें तो इनके रियल लाइफ वाइफ का नाम रेशमा है। इन्होंने इनसे 2013 में शादी किए थे। नंबर 13, नानी। दोस्तों नानी का असली नाम नवीन बाबू घंटा है। जर्सी, मिडिल क्लास अब है, मक्खी और नेनू लोकल जैसे मूवी में काम करने वाले नानी की अगर रियल लाइफ वाइफ के बारे में बात करें तो इनके वाइफ का नाम अंजना येलावर्ती है। अंजना प्रोफेशन से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। नानी अंजना से 2012 में शादी किए थे। नंबर 12, रवि तेजा। रवि तेजा साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर में से एक है। इन्होंने अब तक इस इंडस्ट्री को कई ब्लॉकबस्टर मूवी दी है, जिनमें से कुछ मूवी का नाम है किक 2, राजा द ग्रेट, नेला टिकट, डिस्को राजा, बंगाल टाइगर और भी कई सारे। वही रवि तेजा के वाइफ के बारे में बात करें तो इनके रियल लाइफ वाइफ का नाम कल्याणी तेजा है। इन्होंने इनसे 2002 में शादी किए थे, और फिलहाल अभी ये लोग अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे हैं। नंबर 11, राम पोथिनेनी। दोस्तों टॉप 20 के लिस्ट में नंबर 11 पे है राम पोथिनेनी। ये साउथ फिल्म इंडस्ट्री के यंग, टैलेंटेड और हैंडसम एक्टर में से एक है। इनका उम्र इस समय 33 वर्ष है और ये बिलोंग करते हैं हैदराबाद से। वहीं इनके वाइफ के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक इनका शादी नहीं हुआ है और ये अनमैरिड है। कुछ साल पहले इनके और एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरम के अफेयर की चर्चा सुर्खियों में आई थी, बट अभी के टाइम में सिंगल है।
सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 10 की। सो नंबर 10 पे है आर्या। दोस्तों आर्या का फुल नाम जमशाद सेठ रिकाट है। ये साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर में से एक है। इनके कुछ बेस्ट फिल्म की बात करें तो है मेघा मेनन, मद्रास पतिनम, राजा रानी, अरम्बम और द ग्रेट फादर। वही आर्या के वाइफ के बारे में बात करें तो इनके वाइफ का नाम सायशा सहगल है। सायशा साउथ और बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेसेस है। आर्या ने इनसे 2019 में 10 मार्च को शादी किए थे और इस समय ये लोग एक दूसरे के साथ बेहद ही खुश है। नंबर 9 सूर्या। दोस्तों सिंघम, सिंघम 2, सिंघम 3, अनजान, 24, अयान और मास जैसी बड़ी मूवी में काम करने वाले सूर्या के अगर रियल लाइफ वाइफ के बारे में बात करें तो इनके पत्नी का नाम ज्योतिका है, जो कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के काफी जानी मानी एक्ट्रेस है जिन्होंने अब तक कई ब्लॉकबस्टर मूवी में काम कर चुकी है। सूर्या ने ज्योतिका से 2006 में शादी किए थे। नंबर 8 यश। दोस्तों यश का फुल नाम नवीन कुमार गोरा है। केजीएफ जैसी बड़ी मूवी में काम करके फेमस होने वाला यश ने इसके अलावा भी और भी कई सारे ब्लॉकबस्टर मूवी में काम किए हैं, जिनमें से कुछ फिल्म का नाम है ड्रामा, किराटक और जानू। वही यश के रियल लाइफ वाइफ के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इनके वाइफ का नाम राधिका पंडित है, जो कि फिल्म एक्ट्रेस और टीवी एक्ट्रेस है। यश ने राधिका से 2016 में शादी किए थे और अभी ये लोग एक दूसरे के साथ बेहद ही खुश है और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे हैं। नंबर 7 अक्किनेनी नागार्जुन। दोस्तों नागा अर्जुन आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री को अब तक कई ब्लॉकबस्टर मूवी दी है, जिनमें से मेरा फेवरेट मूवी है डॉन नंबर 1। अभी तक तो मैं इस मूवी को 7 से 8 बार आराम से देख चुका हूँ। और आपको इनका फेवरेट मूवी कौन है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वही इनके वाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने अब तक टोटल 2 शादियां की है। इनकी पहली शादी 1984 में लक्ष्मी दगुबत्ती के साथ हुई थी, लेकिन किसी कारणवश 6 साल बाद यानी कि 1990 में इनसे अलग हो गए। फिर 1992 में इंडियन एक्ट्रेस अमला अक्किनेनी के साथ शादी किए और फिलहाल इस समय ये दोनों एक साथ रहते हैं। नंबर 6 नागा चैतन्या। दोस्तों नागा चैतन्या का जन्म 23 नवंबर 1986 को हैदराबाद में हुआ था, तो इस हिसाब से अभी इनका उम्र 34 वर्ष है। अगर इनके वाइफ के बारे में बात करें तो इनका वाइफ है साउथ की जानी मानी एंड मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस समंथा अक्किनेनी। इन्होंने समंथा अक्किनेनी से 7 अक्टूबर 2017 को गोवा में शादी किए थे। इन लोगों की पहली मुलाकात 2010 में तेलुगु फिल्म ये माया चेसुवे के दौरान हुआ था। फिलहाल इस समय ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ बेहद ही खुश है। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं नंबर 5 की। सो नंबर 5 पे है विजय, जिनका फुल एंड रियल नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। विजय साउथ के अब तक कई ब्लॉकबस्टर मूवी में काम कर चुके हैं। अगर इनके वाइफ के बारे में बात करें तो इनके वाइफ का नाम संगीता स्वर्णलिंगम है। इन्होंने इनसे 1999 में ही शादी किए थे। नंबर 4 जूनियर एनटीआर। दोस्तों जूनियर एनटीआर का फुल नाम नंदमूरी तारक रामा राव है। इन्होंने अब तक साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई सुपरहिट फिल्मों में काम की है, जिनमें से कुछ फिल्म का नाम है राउडी, बादशाह, द सुपर खिलाड़ी, जुड़वा नंबर 1, मरमिटेंगे, टेम्पर, द फाइटर मैन और भी कई सारे। वही अगर इनके रियल लाइफ वाइफ के बारे में बात करें तो इनके वाइफ का नाम लक्ष्मी प्रनाथी है। इन्होंने इनसे 2011 में शादी किए थे। नंबर 3 महेश बाबू। महेश बाबू को आज इंडिया में कौन नहीं जानता। ये साउथ के जाने माने एक्टर में से एक है। इनके वाइफ का नाम नम्रता सिरोदकर है, जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस है। महेश बाबू ने इनसे 2005 में शादी किए थे और अभी ये दोनों लोग अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे हैं। नंबर 2 रामचरण। दोस्तों मगर धीरा फिल्म में काम करने वाले रामचरण को आज इंडिया के बच्चा बच्चा तक जानता है। इस फिल्म के अलावा ये अब तक और भी कई ब्लॉकबस्टर मूवी में काम कर चुके हैं, जिनमें से कुछ फिल्म का नाम है ब्रूसली, यौदू, यौदू 2, बेटिंग राजा, डबल अटैक, चिरूथा और भी कई सारे। वही अगर इनके रियल लाइफ वाइफ के बारे में बात करें तो इनके वाइफ का नाम उपासना कामिनेनी है। रामचरण ने इनसे 2012 में ही शादी किए थे। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए फाइनली अब हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 1 की। सो नंबर 1 पे है स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन। दोस्तों अल्लू अर्जुन साउथ के एक ऐसे एक्टर में से एक है जिन्होंने खुद के दम पर आज ये मुकाम हासिल किया है। इनको साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बन्नी और स्टाइलिश स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 8 अप्रैल 1983 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, तो इस हिसाब से अभी इनका उम्र 38 वर्ष है। अगर इनके कुछ ब्लॉकबस्टर साउथ मूवी की बात करें तो वो है डीजे, सन ऑफ सत्यामूर्ति, सेरेनाइडू, मैं हूं लक्की द रेसर, डेंजरस खिलाड़ी, एक और रक्षक, अंतिम फैसला और भी कई सारे। तो चलिए बात करते हैं इनके वाइफ के बारे में। तो इनके रियल लाइफ वाइफ का नाम स्नेहा रेड्डी है। इन्होंने इनसे 6 मार्च 2011 को हैदराबाद में शादी किए थे और फिलहाल इस समय ये लोग एक दूसरे के साथ बेहद ही खुश है और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों यही थे साउथ फिल्म इंडस्ट्री के टॉप 20 एक्टर्स के रियल लाइफ वाइफ। इनमें से आपका फेवरेट एक्टर कौन है और किन की जोड़ी आपको बहुत अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।